लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए बड़े बड़े स्टार भी जमीन पर बैठे हैं, जाने क्यों। दोस्तों, दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री का बैकग्राउंड सभी को पता है कि वे चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बन गए, इस बात का लोहा सारा देश मानता है। ठीक वैसे ही इस बुजुर्ग औरत ने भी अपनी चाय की कला से मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों को अपने सामने जमीन पर बैठाने का हुनर है। शेखर कपूर ने एक बार अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बूढ़ी औरत की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसे देखने पर यही ख्याल आता है कि आखिर कौन है यह औरत और ऐसी क्या खूबी है इनमें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार इनके पास जाया करते हैं। वैसे यह सिर्फ एक चाय बेचने वाली औरत है और इनका चाय बेचने का खोखा है। इनका खोखा देखने के बाद बस एक ही बात ख्याल में आती है कि इनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे जितने कि एक आम चाय बेचने वाले के पास होते हैं। आपको यह बात बता दें कि यह बुजुर्ग महिला के पति, जिनका देहांत कई बरसों पहले हो गया था, जिसके बाद इनके पास ना खाने पीने के पैसे थे ना ही उनकी कोई अंश औलाद है। इसके बाद इन्होंने अपनी हिम्मत खुद जुटाई और अपनी झोपड़ी के बाहर जमीन पर चाय बेचना शुरू कर दिया। फिर वहां से निकल रहे बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने इनकी चाय पी। उन्हें चाय इतनी अच्छी लगी कि बस उन्होंने वही हमेशा जमीन पर बैठकर चाय पीने आने लगे। वहीं अब उनके देखते देखते अन्य बॉलीवुड के कलाकार भी वहां जमीन पर बैठकर चाय पीने आते हैं। दोस्तों, अंत में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा हेल्थी एवं खुश रहें।